स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, हम सॉल्यूशंस की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बच्चे हम फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके मैम, देखिए क्लास, क्वेश्चन जो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ क्या देते हैं बच्चे, डिवाइड में एक्स इंटू वाई देते। तो एक काम करेंगे बच्चे, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। आप जो बच्चे इस इक्वेशन को 7x - 2y, इसको इस तरीके से सीखते हैं, 7x / x into y माइनस 2y अपॉन में x into y इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अब इसको करेंगे बच्चे आप, तो इसको लिखेंगे 8x अपॉन में x into y प्लस 7y अपॉन में x into y equals to 15, y by cancel, यहाँ से x x cancel हो जाएगा। तो from here you will get 8 upon y plus 7 upon x is equals to 15, check it out, yes, it's okay। अब देखिए बात बच्चे, अब क्या करना है आपने, let it be a question बोलो। आप सिंपल सी बात बच्चे देखो, 1 upon में y, 1 upon में x को आप assume कर लेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, कुछ value के equal assume कर लेंगे। लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू p ले लेते हैं, ठीक है, एंड 1 अपॉन में y इक्वल टू q ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप तो कुछ भी एडजम कर सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करते हैं इन वैल्यूज को, तो हमें क्या देखो, 7 इंटू 1 अपॉन y है, तो आप देखेंगे 7 इंटू q माइनस 2 इंटू p इज इक्वल टू 5। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब बात में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू क्यू प्लस 7 इंटू पी इक्वल्स टू 15। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, यस स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करते, आपने देखो बच्ची सुनो, अब आपकी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, ठीक है। आप इसको एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, देखो इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या मिलेगा, देखो 7q इज इक्वल्स टू रहेगा 5 + 2p, देन q इज इक्वल्स टू 5 + 2p डिवाइडेड बाय 7। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, q वेरिएबल को p वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस वैल्यू को आप जो पुट करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है, आपको पता है ना, उसी इक्वेशन में हम पुट नहीं करते वापस, ठीक है, जहां से आपका ये ड्राइव हुआ होता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, मैं पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, देखिए यहां से आपका देखिए 8 इंटू क्यू डेट इज 5 + 2p डिवाइड बाय 7 प्लस 7p इक्वल्स टू 15। कोई कंफ्यूजन नहीं, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा यहां से 8 इंटू 5 इज 40 प्लस 16p डिवाइड बाय 7 प्लस 7p बाय 1। लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से, देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, तो यहां से आपको मिलेगा 7 इंटू 7 इज 49p डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 15। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है क्लास, दिक्कत की बात नहीं। देखो बेटा, अगर आपको ये कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगती है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्लास, अब यहां से क्या होगा, आपको वैल्यूज मिलेगी 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 49 कितना होता है आपका 50, 65, 65p हो जाएगा आपका, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 7 × 5, तो आपको मिल जाएगा 40, यहां से आपको मिल जाएगा 65p इक्वल्स टू 105 - 40। ओके क्लास, आई थिंक सी यू, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने इतना नोट डाउन कर लिया है, यहां से आपको मिलेगा 65p
इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो आपको ऐसे मिले 65 डिवाइड बाय 65 यू विल गेट द 1 एज आंसर। ओके द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1। ओके नो कंफ्यूजन नो डाउट इज इट क्लियर। ओके अब बात सुनिए क्लास, अगर आपकी पी की वैल्यू 1 आ गई है, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ये जो वैल्यू आपने ली थी क्यू की वैल्यू उस पर पुट करना है और वहां से आपने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्यू आपको पता है क्या था, आपका क्यू था आपका 5 प्लस 2 इंटू पी अपॉन में 7 था, ठीक है, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 5 एडजस्ट किया था। देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्यू इक्वल टू जाएगा आपका 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 7। ओके देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, इज इट क्लियर। ओके देखिए क्लास, p की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई और q की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करा था बच्चे, 1 अपॉन में x को आपने p अज्यूम किया था, 1 अपॉन में y को आपने q अज्यूम किया था, यहां से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं कंटिन्यू नहीं करता, देखिए क्लास सिंपल सी बात, आपको पता है p जो था आपका वो था 1 अपॉन में x के इक्वल था, जो कि 1 की वैल्यू आ गई आपकी, तो यहां से x इतना आ गया, x इज आल्सो इक्वल्स टू 1। सिमिलरली q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y था, तो इसका मतलब ये हो गया आपका y इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके जरूर जा सकते हैं क्लास, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट। देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आपको देखने में तो ये इक्वेशंस लगेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लग रही है। अब आप कहेंगे सर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए डायरेक्टली, देखो बट यहां पर देखिए ना बच्चे, राइट हैंड साइड में आपको एक्स इंटू वाई दे रखा है, इसको तो आपने रिमूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक काम करेंगे आप, देखिए देखिए क्लास एक काम करनी पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड को, दोनों इक्वेशंस की वाई एक्स इंटू वाई। ओके डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशंस बाय एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वी कैट, देखिए क्लास x y से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पर 6x अपॉन में x इनटू y प्लस 3y अपॉन में x इनटू y इक्वल्स टू 6 इनटू x इनटू y डिवाइड बाय x इनटू y, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे फॉर्म हो गया आपके, ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, x x कैंसिल, तो ये आपको मिल गया 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6, लेट इट बी इक्वेशन नंबर। एक और काम हो सकता है बच्चे, यहां सुन लीजिए, ये आपका क्या है 6 और थ्री, इनमें कॉमन निकल रहा है आपका 3 कॉमन निकल रहा है, स्कोर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 हमने कॉमन निकाल दिया यहां से, तो आपको आएगा 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6। ओके तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करके ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि 2y 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को आपको 2 मिल जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो आप ये वाली इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करते हैं, 2x डिवाइडेड बाय x इनटू y प्लस 4y डिवाइडेड बाय x इनटू y इक्वल्स टू 5 इनटू x इनटू y। ओके क्लास इट्स क्लियर, देखो यहां से x x कैंसिल, यहां से y y कैंसिल हो गया और यहां पर आपका आ जाएगा डिवाइड बाय x इनटू y, यू विल गेट 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट दैट इज बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहोगे सर यहां पर भी तो 2 कॉमन निकल रहा है, देखो क्लास यहां से 2 कॉमन तो निकल रहा है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शंस में मिल जाएगी वैल्यू 5.2, ठीक है। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रख देते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर वैल्यूज को, ठीक है, लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू v, ठीक है। अगर हम x 1 अपॉन x की जगह पे u पुट कर देंगे और 1 अपॉन y की जगह पे v पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशंस क्या मिल जाएंगे, देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहां से, ये हो जाएगा हमारे 2u
प्लस बी इक्वल्स टू टू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। और सेकंड क्वेश्चन हमारी बन जाएगी टू यू प्लस में फोर बी इक्वल्स टू फाइव, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिएगा दोनों में जो आपका कॉफिशियंट आ रहा है यू का वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करिए, सीधी सी बात है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए और यहां से यू और वी की वैल्यू फाइंड कीजिए। और क्लास तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है, तो उतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक काम करते हैं क्लास, इक्वेशन नंबर फोर में से इक्वेशन नंबर थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा आपका वन वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर वी गेट, लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर आपकी ये है टू यू प्लस फोर बी माइनस टू यू प्लस बी इक्वल्स टू फाइव माइनस टू, इज इट क्लियर। यहां से क्या होगा आपका, टू यू प्लस फोर बी माइनस टू वी यू माइनस टू यू माइनस बी इक्वल्स टू थ्री, टू यू कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा थ्री बी इक्वल्स टू थ्री, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू वन। ओके स्टूडेंट्स क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू आपके आ गई वन, पुट दैट वैल्यू इन एनी इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर किसी में पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, यहां से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर थ्री वी गेट टू यू प्लस वन इक्वल्स टू टू, फ्रॉम हियर यू विल गेट टू यू इक्वल्स टू टू माइनस वन इक्वल्स टू वन, देन यू इक्वल्स टू जाएगा आपका वन अपॉन। ओके क्लास इज इट क्लियर, एक बार चेक कर लीजिए। ओके इट्स क्लियर, वी की वैल्यू आपकी वन आ गई और यू की वैल्यू आपकी आ गई वन बाय टू, ठीक क्लास। लेकिन आपने अज्यूम क्या किया था, देखो आपने अज्यूम किया था यू इक्वल्स टू वन बाय एक्स और वी इक्वल्स टू वन बाय वन बाय वाई, ठीक है। तो यहां से आप वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए बच्चे, और एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है बच्चे वन अपॉन में एक्स इक्वल्स टू आपका क्या यू के इक्वल है, ठीक है, और यू की वैल्यू कितनी है आपकी वन अपॉन में टू है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू टू। ओके क्लास, अब देखिए बच्चे वी की वैल्यू आपकी कितनी है वन आई, वी इक्वल्स टू आपका वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन आई आपकी वैल्यू, तो दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू वन, ठीक है क्लास। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट आई थिंक, ठीक है सिक्स पार्ट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है क्लास, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। किसी भी वीडियो पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर जाएं क्लास, ठीक है बच्चे। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक सेवन्थ एंड एट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।